Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Class 10th Science Students Lecture Number 42. Unit Number 5 is here. Your chapter name is Pressure and Fluids and topic is the syringe. आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे. ये जो है syringe, ये third topic है. According to application of atmospheric pressure. Firstly, we discuss about the siphon, the pump, and third thing is the syringe. This is the commonly used syringe and in hospitals and for injection. So this is the syringe. If we discuss about the syringe, then we will discuss about their different parts. You can see on your screen. So first of all, we will read what the syringe is. The syringe is the simplest kind of the water pump and consists of a cylindrical glass tube fit tightly with a piston at one end. The other end of the tube is drawn out to a very narrow opening called the jet. Okay, usko kya kehte hain? That is the jet. To fill this syringe, the jet is held in the liquid and the piston is pulled up. So, इसके बारे में ये है कि जो syringe है, ये एक simple kind है किसकी water pump की. किस चीज़ पे consist करती है? Cylindrical glass tube पे, जिसको हम fit करते हैं piston के साथ एक end से. और इसके अंदर क्या होता है, कोई भी आपने जो लिक्विड डालना होता है वो आप इसमें ऐड करते हैं एंड इट ओपन थ्रू अ नैरो जेट, नैरो ओपनिंग, दैट इज कॉल्ड द जेट. टू फिल द सिरिंज द जेट इज हेल्ड इन द लिक्विड एंड द पिस्टन इज पुल्ड अप. लिक्विड एंटर्स द सिरिंज बिकॉज द एटमोस्फेरिक प्रेशर बीइंग ग्रेटर देन द एयर प्रेशर इनसाइड द सिरिंज प्रेसेस डाउन ऑन द लिक्विड सर्फेस एंड फोर्सेस इट इनटू द सिरिंज. क्या होता है इसका मेन प्रोसेस, अभी मैंने डिस्कस किया कि जो इसके अंदर जो लिक्विड है वो कैसे एंटर होगा. सो लिक्विड एंटर होगा सिरिंज से, क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो ज़्यादा हो जाएगा देन द एयर प्रेशर इनसाइड द सिरिंज. सो दिस कॉजेज सिरिंज टू फिल अप. द लिक्विड इन द सिरिंज डज नॉट फ्लो आउट इवन आफ्टर द जेट हैज बीन रिमूव फ्रॉम द लिक्विड. अगर हम बात करते हैं इसकी, तो जो लिक्विड होता है सिरिंज में से, वो जेट फ्लो आउट नहीं होगा क्योंकि वो उसमें से रिमूव हो चुका होता है. पावर इट कैन बी ड्रिवन आउट थ्रू द जेट बट प्रेसिंग डाउन ऑन द पिस्टन. जी हाँ, तो इस तरह इसका प्रोसेस जो हो सकता है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं. देर इज अ ग्लास ट्यूब, दिस इज कॉल्ड द ग्लास ट्यूब दैट आई डिस्कस इन यू प्रीवियस. सो दिस इज द पिस्टन, दिस इज जेट. सो दीज आर द थ्री मेन पार्ट्स ऑफ वी कैन से द सिरिंज, द वाटर पम्प सिरिंज. ये यहाँ पर जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है. और जो सबसे पहले मैंने आपको स्लाइड में दिखाई थी वो एक कॉमन सिरिंज थी, जिसका हम कॉमनली यूज करते हैं एंड इट इज़ यूज फॉर डिफरेंट पर्पजेज एंड स्पेशली फॉर द इंजेक्शन इन द हॉस्पिटल्स एंड फॉर अदर ट्रीटमेंट एंड वैक्सीनेशन. ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं विद न्यू टॉपिक. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.